तो फिर यही इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। वैसे भी इसके सिवाय मुझे इसे कुछ और नहीं चाहिए। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि हर नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह वे आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभचिंतकों का व विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी भी समर्पित की है, जिसके तहत चलकर ही इस वर्ष भी वे आज मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर हर वर्ष हमारी पार्टी के ये लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद भी करते हैं और इस बार भी ये लोग काफी मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा ही अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने अपने नेतृत्व में यहाँ 4 बार यूपी में अपनी सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफी मदद भी मिली है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एकजुट होकर वह सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से भी रोका है। ये भी सर्वविदित है, जबकि ऐसी मानसिकता रखने व नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनत कश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं। और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवा हवाई घोषणाएं करने
एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। साथ ही इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य शैली की वजह से ही अब यहाँ उत्तराखंड व अन्य पहाड़ी बाहुल्य प्रदेश भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा देश में जरूरतमंद लोगों को सही से बसाने की बजाय उल्टा हल्द्वानी की तरह ही अधिकांश उन्हें उजाड़ा जा रहा है। हालांकि हल्द्वानी के लोग तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़े बचे हुए हैं और अब यहाँ यूपी सहित पूरे देश में कानून व्यवस्था को ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। साथ ही जांच एजेंसियों का भी देश व जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादातर इनका भी राजनीतिकरण ही कर दिया गया है। ये भी देश के लिए काफी चिंता की बात है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। और अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर विशेषकर अपने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज भी इन्हें फिर से ये याद दिलाना जरूरी समझती हूँ कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता व इन कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने इन लोगों को ये कहा है कि मैंने यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार व सदियों से उपेक्षित रहे अपने इन वर्गों के लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने तथा अपने खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए जो भी इन्हें कानूनी अधिकार दिलाए हैं तो उनका सही से व पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को आपस में भाईचारा पैदा करके व संगठित होकर तथा अपने खुद के राजनीतिक मंच से जुड़कर केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेनी होगी, क्योंकि अभी तक के अनुभव के मुताबिक यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते हुए कभी भी इन वर्गों के लोगों को संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से वह पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संविधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। इसके साथ ही एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है, जिसके तहत ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एससी व एसटी के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है, जिसकी खास वजह से ही इस बार यूपी निकाय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है, जिसके तहत ही सपा सरकार ने ओबीसी की 17 पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर वह उन्हें एससी वर्ग में शामिल करने का भी
ये गैर संवैधानिक कार्य करके इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी के आरक्षण से वंचित कर दिया और फिर ये सभी जातियां ना ओबीसी में रह पाई और ना ही एससी में उन्हें शामिल किया जा सका। और ये गलत कार्य करने पर सपा सरकार को कोर्ट की फटकार अलग लगी और तब फिर ये जातियां पुरानी स्थिति में वापस आई हैं। इसके साथ साथ सपा सरकार ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण को भी खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ दिया गया है। अन्य सभी मामलों में भी इनका प्राथमिकता के आधार पर पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब की कही गई इन बातों पर अमल करके इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से वह हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संवैधानिक कानूनों का सही से वह पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुट जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर यही इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। वैसे भी इसके सिवाय मुझे इसे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में मेरे ये लोग अब मुझे आगे कतई भी निराश नहीं करेंगे और इसके लिए मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी ने पिछले एक वर्ष में जो भी प्रयास किए हैं तो उसे विशेषकर बीएसपी से जुड़ रहे नए लोगों व वर्तमान युवा पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ी के भी जानने व समझने के लिए अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी लिखी पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 18वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का, जिसमें मुख्य तौर से एक वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि के क्रम में खासकर मेरे सामने आने वाली कठिन चुनौतियों, अनेकों प्रकार के संघर्षों एवं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन व विवरण तथा साफ सुथरा लेखा झोंका होता है उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धन्ना सीटों के धन बल पर व उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनत कश बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। इसके साथ ही नेताओं के स्वार्थ पूर्ति से अलग हटकर अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य एससी एसटी ओबीसी व मुस्लिम समाज आदि इन बहुजन समाज को भाईचारे पर आधारित इस बने गठजोड़ के बल पर वह चुनाव जीत कर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए अब मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले
आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी व खास बातों के साथ ही अब मैं पुनः मेरे जन्मदिन मनाने वाले अपने सभी शुभचिंतकों व विशेषकर पार्टी के लोगों का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ तथा उन्हें नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत आप लोगों के साथ साथ मीडिया बंधुओं के साथ साथ उन्हें भी नव वर्ष सन 2023 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये कामना किंतु मैं अपनी व पार्टी के लोगों की भी मेहनत व संघर्ष पर ये भरोसा करती हूँ कि आने वाले समय में निश्चय ही सर्व समाज के गरीबों एवं मेहनत कश लोगों के तथा बहुजन समाज के लिए भी वास्तव में सन 2023 का ये वर्ष नया सवेरा बनकर जरूर आएगा और फिर उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी अच्छी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। अब मैं अपनी पार्टी व मूवमेंट से जुड़ी मिशनरी पुस्तक का सफरनामा पुस्तक का यहाँ विमोचन करती हूँ। आगे वाले